ये बताएं कि ईडी को ये बताना चाहिए किसके दबाव में वो काम कर रही है। 2015 के अंदर ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर थे या जो आईओ थे, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में केस क्लोज कर दिया था तमाम आर्ग्यूमेंट देख करके। उसके बाद में क्या कारण रहे होंगे कि केस को पुनः खोल करके, 15 की बात बता रहा हूँ आपको, जब क्लोज हो चुका उसके बाद में केस को पुनः खोला गया है और टारगेट करके इस प्रकार की हरकत की गई है, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रोश है, देश भर में लोगों में आक्रोश है, क्योंकि कानून का राज सब चाहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, परंतु टारगेट बना करके आज सोनिया जी और राहुल जी तक पहुंचे हैं। पूरे देश के अंदर 8 साल से तमाशा हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, वो तमाशा बर्दाश्त करते करते लोग दुखी हो गए हैं। अब किसी से पूरी बम्बई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, दिल्ली में, वो आपको बताएंगे कि हालात क्या है देश के अंदर, पर सब लोग घबराए हुए हैं। क्या लोकतंत्र में घबराहट होना अच्छी बात है? क्या लोकतंत्र में लोग अपने दिल की बात नहीं कह सके, जबान पे नहीं ला सके, अच्छी बात है क्या? लोकतंत्र के मायने ये है कि आप खुल के अपनी बात करो, वो नहीं हो पा रहा देश के अंदर। सबके मुंह पे ऐसी स्थिति कर दी है कि बोलेंगे तो देश द्रोही हो जाएंगे, हम लोग जेल जाएंगे, कई पत्रकार जेलों में बैठे हुए हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं, लेखक बैठे हुए हैं, आपको हमको तो मालूम ही नहीं है। पूरे देश में गांव गांव में तनाव हो गया है हिंदू मुसलमानों के बीच में, रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो फ्राइडे की नमाज हो, जिस रूप में अभी जो आपके सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, 400-500 लोग तो मामूली बात है, आक्रोश में निकल रहे हैं गलियों के अंदर। ये बड़े बड़े शहरों की बात आती है दिल्ली में तो, पर जो गांव गांव में तनाव हो गया, ये देश बर्दाश्त कर सकता है क्या, एफोर्ड कर सकता है क्या? इसलिए राहुल गांधी ने ठीक कहा था लंदन के अंदर, पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो काम की बात बोलते हैं। उन्होंने कहा था फरवरी के अंदर 2020 के अंदर ये कोरोना तंग कर सकता है देशवासियों को, ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान देते तो वो स्थिति नहीं बनती जो बनी है, क्योंकि बाहर के मुल्कों के जहाँ जहाँ ये कोरोना फैला हुआ था वहाँ फ्लाइट पे रोक लग जाती, कुछ भी हो जाता, पर नहीं किया गया। जब पूरा फैल गया, सेकेंड वेव आ गई, तब जाके सब कुछ हुआ। तो मेरा निवेदन ये करने का है, ये कोई दुश्मनी तो है नहीं आपस के अंदर लोकतंत्र में, पक्ष विपक्ष की ना दुश्मनी होनी चाहिए, पर ये जो सत्ता में लोग आए हैं ये हमें दुश्मन मानते हैं। उसी प्रकार का कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, छापे डलवाओ, जुडिशरी को दबाव में रखो, हिंदू मुसलमान की बात करो, एक टिकट मत दो मुसलमानों को, एक टिकट मत दो, मैसेज देने के लिए, ऐसा नहीं कि उनके पास में कोई जगह नहीं है, एक टिकट मत दो, लगता है कि बिल्कुल हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, तो ये हिंदुओं को भड़का भड़का के वोट तो ले रहे हैं, परंतु देश हित में नहीं है। देश हित उसी में है जब आप सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग आज तक साथ रहते आए हैं सदियों से, और साथ साथ ही रहना है सब धर्मों के लोगों को, तब ये इस प्रकार की हिंसा का माहौल बनाने का फायदा क्या? अंत में मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ईडी के तो छापे बंद करवाओ। कल मैंने टाइम मांगा था, मैंने आपको कल कहा भी था, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और सीबीडीटी की चेयरमैन, इनकम टैक्स के चेयरमैन से, कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और मैं अपनी बात एक नागरिक के रूप में, मुख्यमंत्री एक राज्य का है चुनाव उसके रूप में, और मैं क्या फील करता हूँ, देशवासी क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि तीनों जो मांगा टाइम, तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी हमारी है, प्रतिष्ठित एजेंसी हमारी, बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, उनको मैं बताऊं कि आप खुद समझ रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप दबाव से मुक्त भी हों। अगर गलत आपको काम करें तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि मेरा जमीर मेरे को गवाह नहीं दे रहा, इसलिए हम ये
रेड नहीं कर सकते। रेड करने के लिए बहुत ही पहले लेखी करनी पड़ती है, असेसमेंट करना पड़ता है कि अगर रेड करेंगे तो क्या क्या हमें मिल सकता है, तब किसी के घर में गुजर जाता है। आपको कल फोन है रात को, कल रेड करनी है, बिना देर के जाते कोई मिलता नहीं वहाँ पर, भाई उसकी कितनी बेइज्जती होती है परिवार की। क्या लोकतंत्र में परिवार की बेइज्जती करना क्या किसी को हक है? ये जो माहौल चल रहा है उसलिए मैंने टाइम मांगा, मुझे खुशी हुई टाइम फटाफट मिल गया मुझे। आप फोन आ गया CBT चेयरमैन साहब का, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने 4:30 बजे का टाइम कन्वे कर दिया। जॉइंट डायरेक्टर साहब थे CBI के कोई, उनका फ़ोन आया कि हम तो जयपुर आके मिलेंगे मुख्यमंत्री महोदय से। और तो और जो टाइम मिला हुआ था मुझे CBD चेयरमैन साहब का, वापस टेलीफोन आ गया भाई कि मैंने देखा कोई स्टाफ का आदमी आ रहा होगा, मुख्यमंत्री जी कैसे आ सकते हैं, हम उनसे जाके मिल लेंगे, बात खत्म हो गई। ED का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये हालात है देश के अंदर, इसको हमें पहचाना पड़ेगा, देशवासियों को पहचाना पड़ेगा। अब देशवासी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदू हम नहीं है क्या? महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदू होने का मुझे गर्व है, परंतु मैं सब धर्मों का सम्मान करूंगा। वही बात हम सब कहते हैं, आप लोग हिंदू नहीं है क्या? मीडिया दबाव के अंदर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया के मालिक दबाव के अंदर है। और आज जो ये केस हुआ है ED वाला, नेशनल हेरल्ड अखबार 1937 में निकला है, ठीक है, आज तक कांग्रेस फाइनेंस करती आई उसको, और धीरे धीरे कमजोर हो गए, जैसे आज के प्रिंट मीडिया वाले कमजोर हो गए हैं, अपने वो तनख्वाह घटा रहे हैं, छटनी कर रहे हैं अपने संवाददाताओं की, पूरा देश देख रहा है। वो हालात इसकी थी, हेराल्ड की और खराब हालात थी, 12-12, 15-15 साल तक तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को जो उनके कर्मचारी थे, मुझे मालूम है, जानता था कई लोगों को। अगर मान लो AICC ने उनको इमदाद करी, लोन दिया, जो भी किया, और ये तमाम जो सेंटर बने हुए हैं जिसमें जिसके बारे में ED बुला रही है, ये नॉन प्रॉफिटेबल सेंटर है। एक रुपया भी सोनिया गांधी जी चाहें, राहुल गांधी जी चाहें तो ही घर नहीं ले सकते एक रुपया भी, क्योंकि इसमें कानून कहता है कि आप ये नॉन प्रॉफिटेबल संगठन जो है, इसमें कोई भी डायरेक्टर इसमें लाभांश नहीं ले सकता है। जब सबको मालूम है फिर मनी लॉन्ड्रिंग किसकी हुई है, कौन सा पैसा घरों में चला गया है, ऐसा माहौल बना दिया गया जो बहुत बड़ा घोटाला हो गया देश के अंदर। इनकी पोल आज ही तो कल खुलने वाली है, ये तमाशा हो रहा है। आप देख रहे हो पूरा देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, देशवासियों को भावना बताने के लिए आ रहे हैं। मीडिया को चाहिए कि वो ईमानदारी से साथ दे हमारा, हम नहीं चाहते कि वो मतलब एक तरफा करे बात, सच्चाई बताए। बीजेपी ये कह रही है कि ठीक है आपकी एक संस्था थी जो कमजोर हो गई थी, जैसा आपने कहा कि वहाँ एम्प्लॉय को भी देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बदले गांधी परिवार ने यंग इंडिया कंपनी के द्वारा उसका शेयर ले लिया। आप कर्जा चुकाने के बदले मालिक नहीं बन सकते, ये आरोप है। मालिक तो तब बनता है उसमें प्रॉफिट आता है, शेयर बदलते रहते हैं, डायरेक्टर बदलते रहते हैं। हिंदुस्तान भर की कंपनियों में लाखों कंपनी हिंदुस्तान के अंदर है, एक एक इंडस्ट्रीज के बाद में कहीं 50, कहीं 80, कहीं 100-120 कंपनी हैं, वो शेयर बदलते रहते हैं अपने, कभी किसी को पकड़ते हैं कि हम लोग पकड़ सकते हैं क्या। जो NGO का काम करने वाली कंपनी है उनका विशेष दर्जा है, ये NGO के रूप में काम करेगी, सोसाइटी के लिए काम करेगी, लाभांश नहीं कमाएगी, उसमें ही एजेंसी आ रही है, उनके अंदर आप कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर सकते हो? और ये परिवार जिसने दिए ही दिया देश को, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेल में बंद रहे थे, उनके भी साइमन कमीशन आया था 32 के अंदर, तब लाठियां पड़ी थी उनके ऊपर सड़कों पर, पंडित नेहरू पे भी 10-12 साल तक वो जेल में बंद रहे थे। और आनंद भवन दे दिया देश को, जहाँ गांधी जी बैठ के पूरा आंदोलन चलाते थे, इस परिवार ने देश को दिया है, लिया कुछ नहीं है। उस परिवार के ऊपर आप ED का शक पैदा करवाओ देशवासियों को, क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करने के लिए, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज क्रेडिबिलिटी 76 साल के बाद में ये कांग्रेस कुनबा हम सब हैं, वो पंडित नेहरू को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, सोनिया गांधी को कहते हैं कि आप अध्यक्ष बने रहो, राहुल गांधी कहते हैं आप अध्यक्ष बनो, क्यों कहते हैं हम लोग? हम समझते नहीं है क्या? हमारे पास दिमाग नहीं है क्या देशवासियों के, आम जनता के? आप जनता भी चाहती है
कांग्रेस मजबूत होनी देश के अंदर, प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। आम कार्यकर्ता दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का क्यों चाहता है? ये परिवार रहेगा कांग्रेस अध्यक्ष तो कांग्रेस एकजुट रहेगी, कुछ तो सोच रहे होंगे। जिस परिवार का 30 साल से कोई आदमी कोई पद पे नहीं, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकती थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन जी ने बना दिया, तो 30 साल के इसका परिवार का कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बना है ना कोई पद पर आया है, फिर मोदी जी को, अमित शाह जी को चिंता करने किस बात की आवश्यकता है? तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं कहना चाहूँगा देशवासियों समझ जाना चाहिए, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में भट्टा बैठ गया है, संविधान का ध्वजा उड़ा जा रही है, लोग चिंतित हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही है? ये चिंता के विषय होना चाहिए।